तो मैं अभी इस कॉटेज से नीचे आया हूँ और दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप अगर इस कॉटेज में आते हो, इसका नाम भी मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसका डिटेल्स में दे रहा हूँ, इसका फ़ोन नंबर सब कुछ दे रहा हूँ। और इसका जो ओनर है बहुत ही यंग है, मैं उससे बात भी करूँगा और बहुत ही हेल्पफुल है। ओके, आई गॉट अ लिटिल पप्पी भैया। तो मुझे कॉटेज नहीं मिला, इसलिए जो ओनर का घर है उधर ही मुझको रहने दिया था। तो थैंक्स टू हिम, इज ओन इज वन कॉटेज, वन थ्री कॉटेज हो गया। ये जहाँ पे मैं रह रहा था उसका व्यू भी दिखा रहा हूँ, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत। तो आप रेस्ट रूम देखो कितना खूबसूरत, कितना बढ़िया। पर मैं देखो इसका आर्किटेक्चर भी थोड़ा डिफरेंट है। सो इसमें माय रेस्ट रूम, ये इनका घर भी है, तो बहुत वेल डेकोरेटेड है। अब मैं राइट साइड में थोड़ा ऊपर में जाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो देखते हैं ऊपर का सिचुएशन कैसा है। लेकिन अभी सुबह का जो वेदर है वो सीरियसली बहुत ही अच्छा है वगैरह है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है मेरे सामने एक होम स्टे, और ये होम स्टे ख़राब होके पड़ा है। और अगर थोड़ा ऊपर जाते हो, जैसे कि मैं ऊपर में जा रहा हूँ, तो ऊपर में शायद आपको और भी मिल जाएगा होम स्टे। हाँ है, होम स्टे वगैरह है। तो थोड़ा ऊपर में हम लोग जा रहे हैं। सो ये है व्यू, पूरा व्यू, ये बहुत ही खूबसूरत है रियली। जितना भी आप ऊपर में जाओ उतना आपको ये देखने मिल जाएगा। देयर इज माई होम स्टे, और ये सबसे ज़्यादा फेमस होम स्टे। आप अगर थ्रिल करना चाहते हो लाइफ में, सो यू कैन कम हियर, आर रियली द प्लेस इज ऑसम। अब सुबह का बज रहा है अभी 7:30 और मैं थोड़ा ऊपर में जाने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो साउंड आ रहा है, शायद आपको आ रहा है कि साउंड, तो ये साउंड बहुत अच्छा है। और व्लॉग करने में भी मज़ा आ रहा है, क्योंकि सीरियसली दिस इज़ अ न्यू डिस्कवर फॉर मी। आई विश जो लोग ये व्लॉग देख रहे हो वो लोग शायद ही सीटोंग के बारे में नहीं जानते हो। ये क्या होता है, जितना भी आप ऑरेंजेस खाते हो सभी ये सीटोंग से होके जाता, मतलब सीटोंग में ही ये उगता है, सीटोंग में ही इसका कल्टीवेशन होता है। सो प्लीज़ जो लोगों को देखो, ये व्यू देखो, ये रास्ते को देखो, बहुत ही अच्छा व्यू है यार। सफोकेशन थोड़ा बहुत हो रहा है क्योंकि ये हाई ऑल्टीट्यूड है, और जब जितना ऊपर जा रहा हूँ उतना व्यू अलग होता जा रहा है। और खूबसूरती की बात मत करो यार, यू हैव टू कम हियर। आपको अगर ये देखना है, ये एक्सप्लोर करना, क्योंकि देखो हम लोग क्या करते हैं, ये सिक्किम एंड लद्दाख ये सब करते हैं, ये ज़रूरी भी है, जो लोग राइड करते हैं उनका पैशन है, उसका ड्रीम है, मेरा भी है। लेकिन ये जो छोटा छोटा जगह है ये बहुत ही खूबसूरत है। तो मैं जितना ऊपर में जा रहा हूँ, एक सुंदर सा साउंड और एक अच्छा सा फ्रेग्रेंस मैं बताऊंगा आ रहा है। तो जन्नत है ये जो कॉटेज है, इसको देखो, देखो पूरा पहाड़ के, आप इधर बैठ सकते हो, ये जगह पे बैठ सकते हो, और पीछे खाई। सो ऑसम प्लेस इज सीटोंग एज पर माई नॉलेज। एक्सक्यूज मी, ये ऊपर में गांव का नाम क्या है? ओ, ये कौन सा जगह है फिर? ये सीटोंग है और उसके ऊपर सेलपुर। ओके, और जो ऑरेंजेस वगैरह होते हैं ना वो कहाँ पे होते हैं? सीटोंग में। कहाँ पे है वो कैसे देखेंगे? और नीचे जाना पड़ेगा ना। ओके, थैंक यू। आपका नाम? ओके, थैंक यू। तो ये जो इधर का जो लोग रहते हैं वो भी बहुत ही खूबसूरत है, वो लोग बात करते हैं आपसे और बहुत ही मतलब ऑनेस्ट है। तो रियली आपको आना पड़ेगा इधर, चाहिए हो रास्ता।
ये रास्ता एकदम से स्लोप होता जा रहा है, सो मुझको अभी इधर से ही जाना होगा टुवर्ड्स माय कॉटेज अगेन, बिकॉज मे बी इट्स अ टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, सो हैव टू टेक, एंड उसके बाद मैं राइड करने फिर से निकलूँगा। और ये ऊपर में जो गांव है वो जो लड़का बताया, तो उस रास्ते में राइड करूँगा। और इधर ओहोलधरा नाम का एक जगह है, तो मैं स्टडी कर रहा हूँ अभी, और जो ओनर है मेरा कॉटेज का वो बात कुछ बताएंगे, तो वो भी हम फॉलो करेंगे और उसके बाद राइड करने निकलेंगे। लेकिन हाँ, सीजर लुक जैसे लग रहा है, और मैं उतर रहा हूँ नीचे। रियली एंजॉय, नोबडी विल डिस्टर्ब यू, बिकॉज इधर इतना ज़्यादा लोकेलिटीज नहीं है। जैसे उधर मैं आपको ये बगीचे के बीचों बीच आपको मिल जाएगा एक हॉट टी, आप इंजॉय भी कर सकते हो इसको। तो जगह बहुत ही अच्छा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो लोग फर्स्ट टाइम ये सुन रहे हो आप डिस्कवर कर सकते हो, आप आ सकते हो और सुबह का जो चाय है उसका मजा ले सकते हो। ये है एकदम ग्रीन टी, बहुत ही बढ़िया। ओके, दिस इज द एंड, इधर फेंसेस है और आप देख सकते हो कि बहुत ही बढ़िया सा व्यू। धूप थोड़ा आ रहा है, राइड करने के लिए मैं तैयार हूं, तो जाने के लिए रेडी हो रहा हूं। तो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। तो मैं बैठ गया हूं, देखो इधर हरों के बीचों बीच अब बैठ सकते हो, बात भी कर सकते हो, आपका माइंड सेट कर सकते हो। टाइम कितना बजे होता है स्कूल का इधर? 9:15। ओके, सो ये लोग 9:15 से स्कूल करते हैं। सासन ब्लॉग यूट्यूब रे, थैंक यू जेंस जेंस लूल, ही इज कैमरा फ्रेंडली जेंस। तो मैं अभी बात करने वाला हूँ ये होम स्टे का जो ओनर है उनके साथ। आपका नाम? परीक्षित। ओके, तो ये होम स्टे आपका है? जी सर। ओके, हम लोग 1200 पर पर्सन ओके करते हैं फूडिंग के साथ, और www.sitongshivalikhomestay.com ओके, और दूसरा आपका फोन नंबर ले सकते हैं 6296308088, ये व्हाट्सएप नंबर भी है। ओके, कॉटेजेस अभी है और जनवरी में एक और बन जाएगा और मार्च तक 3 मोर ऐड हो जाएगा, मतलब टोटल होगा 6 कॉटेज। सिटोंग इज नोन एज द ऑरेंज वैली, तो इफ यू कम ड्यूरिंग द विंटर सीजन विल बी द बेस्ट। ओके, बर्ड्स वॉचिंग के लिए आप आ सकते हैं, हॉर्नबिल ये सब मिलेगा आपको। मैम आप आ जाइए प्लीज, आपका नाम बताइए प्लीज। अंजना। ओके, तो मैम बहुत ही वार्म वेलकम मिला, तो ये बहुत स्वीट कपल है, आप प्लीज एक बार आ जाइए ना प्लीज उनके साथ। जैसे कहाँ जाएंगे मतलब और देखने का? देखिए शिलांग में आप लोग को मेरा नजदीक में 1 मिनट का डिस्टेंस में आपको ब्रिटिश बंगलो मिलेगा, उसमें आपको सिंकोना प्लांटेशन भी मिलेगा, वहाँ पर स्ट्रॉबेरी प्लांटेशन है, आपका ये कॉफी प्लांटेशन यहीं पर 1 मिनट रेडियस में आपको मिल जाएगा। ओके, ओके। और उसके बाद आप ऊपर जाएंगे आलडारा हुआ, वहाँ से आपको व्यू अच्छा मिलेगा। ओके, ठीक है, कंचनजंगा व्यू वहाँ से बहुत अच्छा दिखता है। ओके, जैसे पांच पोखरी बोलते हैं। ओके, जैसे नामथिंग में एक लेक है तो उससे पांच पोखरी में 5 लेक्स है। ओके, तो फिर से स्टार्ट हो गया राइडिंग ओहोलधरा स्पॉट के लिए जो हाई ऑल्टीट्यूड में है, तो ये एडवेंचरस है फिर से। और जो सीनरी आप देख रहे हो ये सीरियसली देखने लायक था, तो प्लीज़ एंड तक वीडियो को देखना, और वीडियो एंड होने के बाद लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। और ये ओहोलधरा का जो एडवेंचर है बहुत ही वाव था, सो मैं नेक्स्ट वीडियो में ये एडिट कर रहा हूँ दिखाने के लिए, तो प्लीज़ कीप वॉचिंग द वीडियो।